आज़हन में आती हैं तेरी ही रहमत है, जो बाद में आनी है वो भी तेरी रहमत है, उनको भी कबूल फरमाई जो हमारे लिए तू जानता है। फिर भी हम जो मांगते हैं या अल्लाह पाक, सब कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तू जो बेहतर जानता है तो वही फरमा या अल्लाह पाक। जो दुआएं बाद में याद आनी है, जिन जिन लोगों के दिलों में है उनकी सबको तू जानता है, तू अलीम खबीर है। या अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, टूटी फूटी नमाजों को कबूल फरमा। हमारी नमाजें हमारी इबादतें तेरे दरबार के लायक नहीं है या अल्लाह पाक, तू अपने लुत्फ़ करम के साथ तू गनी है या अल्लाह पाक, हमसे या अल्लाह पाक सखावत का मामला फरमा दे। तू या अल्लाह पाक पूरी कायनात की सारी ख्वाहिशात पूरी कर दे, तेरे खजानों में सुई के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक अगर तू हमें ना भी बख्शेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम तेरे बंदे हैं। या अल्लाह पाक हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, कमज़ोर बंदे हैं, झूठ बोलते हैं, तू देखता है। वह महाकुम वही नमाकुम, तुम हम जो करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं तू देखता है, तो हम कुरान पढ़ते हैं तू देखता है, तेरे सामने तेरी नाफरमानी करते हैं फिर भी हमें छोड़ा हुआ, खुला छोड़ा हुआ, हमें माफ़ इसी तरह करते रहें या अल्लाह पाक, और क़यामत वाले दिन भी इसी तरह हमें माफ़ फरमा दें। माँ से ज़्यादा प्यार करने वाले मालिक, या अल्लाह पाक हम तेरी रहमत के खासगार हैं, या अल्लाह पाक हम तेरी रहमत के खासगार हैं। या अल्लाह पाक ये जो मस्जिद शुरू हुई है गैब से तुमने मदद की है, या अल्लाह पाक गैब से हुफाज भेजे हैं, या अल्लाह पाक इनके दिलों में कुरान को महफूज फरमाया, या अल्लाह पाक इन्होंने हमें तेरा कुरान सुनाया, या अल्लाह पाक जिसने जो जो पढ़ा इनकी गलतियाँ माफ़ करी, या अल्लाह पाक इनकी गलतियाँ माफ़ फरमा के इनको कबूल फरमाईं, इनके पीछे जिन्होंने नमाज़ें पढ़ी उनको भी कबूल फरमाई, सब की दुआएँ खैर की या अल्लाह पाक कबूल फरमाई, जो दुआ रहेगी या अल्लाह पाक तू जानने वाला है। या अल्लाह पाक तू रहीम है, तू करीम है, हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक मुसलमान इस वक्त जिल्लत में डूबे हैं तो आपका सहारा छूट चुका है। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक मुसलमानों को या अल्लाह पाक अपना सहारा दे दे, मुसलमानों की गलतियां माफ़ फरमा, अपनी रहमत को देख, हमारी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज फरमा, मुसलमानों को एक या अल्लाह पाक बहादुर खुलफाए राशिदीन की तरह बहादुर, खसूसन हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हमें लीडरान की ज़रूरत है। या अल्लाह पाक ऐसी क़यादत नसीब फरमा जो तेरे बंदों को तेरे रास्ते की तरफ लगा दे। या अल्लाह पाक तेरे दीन का परचम सर बुलंद करें, हमारी मदद फरमा, यहूद अनुसार और कुफार की साजिशों से बचा। अल्लाह मंसूर इस्लाम और मुसलमीन, अल्लाह मफ़नसुन अलकौम ज़ालिमीन, यहूद अनुसार व कुफार, अल्लाहुम्मा हाफिज़ कुल मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात फी कुल मकान या रब। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम और मुसलमीन, अल्लाहुम्मा फ़नसुर मुजाहिदीन फी कुल मकान या रब। या अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की खैर, या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, वहाँ भी इस्लामी क्या नसीब फरमा जो तेरे दीन का परचम बुलंद कर सके। या अल्लाह पाक पाकिस्तान में जो भी परेशानी आ रही है हमारे अपने अमाल की वजह से है, तो हमारे अमाल को माफ़ फरमा दे, नज़रअंदाज कर दे। या अल्लाह पाक तेरी ही मखलूक की खिदमत के लिए जो तेरे बंदे अपने घर बार बीवी बच्चों को छोड़ कर निकले हुए हैं, उनकी हिजरत को कबूल फरमा, वो तेरे ही बंदों का एहसास करते हैं, उनकी इबादतें उनकी खैर की दुआएं कबूल फरमा। आज की रात को लैलतुल कद्र बना के या अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा। तू पहले आसमान पे तशरीफ़ फरमा है, तू करीब है, तू मौजूद है, तू सुनने वाला, तू जानने वाला। जो तुमको नहीं मानते मालिक, तू बुतों की पूजा करने वाले हैं, तो उनके भी पेट भरता है, तो उनको भी रिज़्क़ देता है, वो भी जो मांगते हैं। या अल्लाह हम तो तेरे प्यारे रसूल की उम्मत में से हैं, इस उम्मत को या अल्लाह पाक आपने बेहतरीन उम्मत करार दिया, इसी बना पर या अल्लाह जन्नत का सवाल है, या अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस का सवाल है। अपने तख्त के साए के नीचे अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे जगह अता फरमा, उनकी शफा नसीब फरमा, हौज़े कौसर का या अल्लाह पाक प्याला नसीब फरमा, आका अलैहिस्सलाम के हाथों से हमारे दिलों में अपना प्यार और बड़ा, अपने प्यारे रसूल का प्यार और बड़ा, अपने दीन पे सच्चा मुसलमान बन के चलने की तौफीक अता फरमा, हमारी हिफाज़त फरमा। जिन जिन मेरे भाइयों के दिलों में, मेरी बहनों के दिलों में जो जो दुआएँ हैं वो मुझे नहीं कह सकते या अलहदा कहना चाहते हैं, या अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल फरमा, तू जानता है उनके दिलों को, उनके अवाजदाह जो जा चुके हैं उनकी कब्रों पर रहम फरमा, उनको भी बख्श दे, उनको बख्श दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, कब्रों में कोई सजा माफ़ फरमा दे, जो याद हैं, जो नहीं याद, जो अपने हैं, जो गैर हैं, जो दूर हैं, जो नज़दीक हैं, या अल्लाह पाक सब की दुआएँ सुन ले, सब पर रहम कर, फजल फरमा। अल्लाह आमीन।
अल्लाहुम्मा अरहमना अंत कुल दुआल खैर हाजातल खैर व ख्वाहिशातल खैर, जहाँ जहाँ भी तेरी मसाजिद में तेरे ही दिए हुए रिज के साथ जिन जिन लोगों ने तेरी मखलूक की खिदमत की, एक खजूर से, एक दाने से, एक तिनके, जिस जिस चीज़ से कोशिश करके, कुरान की मसाजिद की सफाई करके, या अल्लाह उन जो रह गए हैं या अल्लाह मुझे याद नहीं, उन सब को उनका बेहतरीन सिला इस दुनिया में भी अता फरमा, अगली दुनिया भी अता फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले, कोई रियाकारी हुई तो माफ़ फरमा दे, कोई माफ़ फरमा दे, जो दुआएँ रह गई हैं माफ़ फरमा दे, या अल्लाह पाक जिन वालदैन के बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया उनको भी जन्नतुल फिरदौस के हकदार बना दे, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले, उनकी इन मेहनतों को या अल्लाह पाक मद्दनज़र रख के कि तेरी मखलूक को तेरा कुरान सुनाते हैं उनके दर्जात भी बुलंद फरमाना, जिन माओ ने जिन बापों ने अपनी औलादों के लिए बहुत मेहनत की कुरान को हिफ्ज़ कराने में लिए के लिए, उनको या अल्लाह पाक जन्नत बगैर हिसाब किताब अता फरमा दे, उनके सदक़े में हमें भी उनके पीछे भी जन्नत में दाखिल फरमा दे मालिक, तेरा शुक्रिया मालिक, तेरी तमाम नेमतों का शुक्रिया, जो दुआएं जुबान पे आई ये भी तेरी नेमत है, इस नेमत का भी शुक्रिया मालिक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन रहमतुक या अरहमर राहमीन।